नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। कोविड 19 के दौरान अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी के बाद अब उनका श्रमिक पोर्टल पर पंजीयन करने की कवायद भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आमला संस्कार बाबरिया द्वारा युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है, जिसके लिए जनपद पंचायत आमला अंतर्गत आने वाली सभी 68 पंचायतों के लिए मैदानी अमले को आवश्यक निर्देश देकर समय सीमा में श्रमिक पोर्टल पर उनका पंजीयन करने की बात कही गई। गौरतलब हो कि वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए जनपद पंचायत आमला के तकनीकी के जानकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी संस्कार बाबरिया द्वारा जनपद पंचायत के सभी 68 ग्राम पंचायत के सचिव रोजगार सहायक से कलेक्टर स्तर पर बैठक आयोजित करवाकर 6 सेक्टर की समीक्षा की गई। समीक्षा में पूर्व से सेक्टर प्रभारी अधिकारी ADO PCO तथा समग्र सामाजिक सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसमें निम्नांकित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रभावी रूप से चर्चा की तथा निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य जिला या प्रदेशों से कोविड 19 कोरोना वायरस से प्रभावित होकर जो मजदूर आज गांव में प्रवासी हुए हैं, उन्हें मध्य प्रदेश से श्रमिक पोर्टल पर पंजीयन 1 जून 2020 के तक 100% किया जाना है, जिसकी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए त्वरित रूप से प्रशिक्षण कार्यशाला की मॉनिटरिंग जूम ऐप के माध्यम से की गई। CO ने सचिव रोजगार सहायक से चर्चा में कहा, जनपद क्षेत्र में आज मनरेगा अंतर्गत 84,494 मजदूर कार्यरत हैं, जिसका प्रति पंचायत औसतन 125 मजदूर कार्यरत हैं। मीटिंग के दौरान कल से प्रति ग्राम पंचायत में 150 मजदूर कार्य दर नियोजित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष में जनपद पंचायत आमला में 715 अतिरिक्त आवास लक्ष्य प्राप्त हुआ है। पूर्व में 518 आवास निर्माण हेतु शासन से लक्ष्य प्राप्त है। कुल 1233 आवासों को समय सीमा में पूर्ण कराया जा रहा है। मुहिम अंतर्गत आज ग्राम पंचायत जम्बाड़ा में सचिव ग्राम रोजगार सहायकों की सेक्टर बैठक PCO द्वारा ली गई। बैठक में अन्य राज्यों से आए श्रमिकों के श्रमिक पोर्टल पर नाम पंजीयन करने पर समीक्षा की गई। आज ग्राम पंचायत जम्बाड़ा में ये सचिवों की किस बात को लेकर बैठक निर्धारित की गई? संबल योजना में पंजीयन करने के लिए जो अपने राज्य के दूसरे राज्यों में जो श्रमिक गए हुए थे, जो वापस आए, इनका संबल योजना पंजीयन करना। पंजीयन के बाद श्रमिक हो जाएगा तो इनको संबल के योजना के अंतर्गत जो भी लाभ मिलना है वो लाभ मिलेगा। अच्छा, इनको निर्देशित किया गया सचिव? निर्देशित किया है, सब वही ट्रेनिंग दी। खबर समय जगत के लिए आमला से हरिप्रसाद गोहे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।